एक जंगल में पक्षियों का एक बड़ा सा दल रहता था। सुबह होने पर सभी पक्षी अपने भोजन की तलाश में निकलते थे। उन्हीं में से एक पक्षियों का राजा, उसने सभी पक्षियों को कह रखा था कि जिसको भी दाना मिलेगा वह आकर बताएगा और सभी पक्षी साथ में मिलकर दाना खाएंगे। एक दिन एक चिड़िया उड़ते उड़ते काफी दूर निकल गई। वो अलग रास्ते पर चली गई जहाँ पर अनाज के बोरे मंडी जाया करते थे। यह देखकर वह चिड़िया बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि अब मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो मेरा पेट यहीं से ही भर जाएगा। लेकिन चिड़िया को लालच आ गया और उसने सोचा कि वह इस जगह के बारे में किसी को नहीं बताएगी और अकेले ही आकर भरपूर पेट खाना खा लिया करेगी। जंगल में आए तो बाकी दल ने पूछा कि तुम कहाँ थे, तो चिड़िया ने कोई बहाना बनाकर डाल दिया और हर रोज वह वहीं पर दाना चुगने के लिए जाने लगी। एक दिन वो दाना चुगते चुगते इतनी मगन हो गई कि उसे इधर उधर की आवाज सुनाई नहीं दी। ऐसे में एक तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी उस चिड़िया को कुचलकर निकल गई और चिड़िया अपने ही जाल में फंस गई। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और अपने बड़ों से या अपने किसी मित्र से किसी भी बात को छुपाना नहीं चाहिए, किसी का विश्वास नहीं।